देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग की ओर से गुच्चू पानी में वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की और सैन्य परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार सेना और सैनिकों के सम्मान में विभिन्न कार्य कर रही है, वहीं देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया और कहा कि बलिदानियों के परिवारों का त्याग सर्वोच्च है और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी इसी तर्ज पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम जो कि मेरी माटी मेरा देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी जो उनकी एक सोच है, दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी माँ की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए मैं कह सकता हूँ अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण हैं देश की रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुत रखने का प्रण। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है, यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं, उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं, हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। इसके साथ साथ जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिक हैं उनकी जो एकमुश्त अनुदान राशि है उसको भी हमने बढ़ाया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे कि जहां पर पूरे उत्तराखंड के हमारे 1700 से भी ज्यादा जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उनके परिवार के उनके आंगन की मिट्टी लाकर पांचवे धाम की भी नींव यहां रखी गई है, एक और जहां भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सैन्य धाम तेजी से अपने निर्माण की ओर अग्रसर है, वहीं
हमारा जो सवाड़ है वहां पर भी सैनिकों की स्मृति में एक स्थल का भव्य और दिव्य निर्माण किया जा रहा है। ये स्मारक उन सभी वीरों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारे इस तिरंगे की शान को बरकरार रखा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र